हेलो फ्रेंड्स, ये एमपी पुलिस का जो 28 सितंबर को 3 बजे की जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसका ये लास्ट पेपर है। ठीक है, तो इसके अलावा अब कोई पेपर नहीं बचा है हमारा। ठीक है, अब काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर 2016 के पेपर करवा दो, तो 2016 में भी 45 पेपर हुए थे। ठीक है, और लगभग मैथ्स तो सेम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, उन पेपर को तो सॉल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन जो 2016 के पेपर हुए उसमें जो टफ टफ क्वेश्चंस आए थे, मैं उनको जो मुझे टफ लगेगा आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से देखूंगा उसको, उन क्वेश्चंस को मैं ले लूँगा। ठीक है, और हाँ, इनको तो खैर बाद में लेंगे, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है हमें। देखो, डीआई जो कि एनटीपीसी के लोग भी अभी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी डीआई जो है डेटा इंटरप्रिटेशन 2016 में आया था, 2017 में नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पढ़ाना पड़ेगी क्योंकि सिलेबस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और थोड़ा टफ होता जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इस बार आपको डीआई आ जाए, तो डीआई करवाऊंगा मैं एसडी यादव मैथ से। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या फिर हो सका तो मैं इसके लिए चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दूंगा एनटीपीसी के लिए भी और एमपी पुलिस के लिए भी, क्योंकि दोनों वैकेंसीज अभी चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तीन संख्याओं का योगफल 84 है, दूसरी संख्या पहली से इतना परसेंट ज़्यादा है, तीसरी संख्या पहली और दूसरी के योग से 40% अधिक है, संख्याएं बताओ। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन नंबर मान लिए हमने, तीनों का योगफल 84 होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरी शर्त, दूसरी संख्या पहली से इतना ज़्यादा है, 33 सही, 1/3% ज़्यादा है, इसका मतलब 1/3 ज़्यादा है, मतलब 3 से 1 ज़्यादा है। अगर पहली संख्या 3 है तो दूसरी वाली 4 है, क्योंकि 3 से 1 ज़्यादा है। फ्रैक्शन वैल्यूज़ का सबसे पहले ज्ञान इकट्ठा करो। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको फ्रैक्शन वैल्यूज़ के लिए हमारे परसेंटेज की वीडियो देखो, परसेंटेज की जो एच डी यादव की मैंने करवाई है वो। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली से इतना ज़्यादा है, तो 3 पे 1 ज़्यादा है। अब तीसरी संख्या जो है वो इन दोनों के योग से 40% ज़्यादा है, तो 4 और 3 7, तो एक काम करो, इनका 40% तो थोड़ा इजीली नहीं निकलेगा, इसलिए आप एक काम करो, इसको 30 मान लो, इसको 40 मान लो, और इन दोनों का योग मतलब 70, तो 70 से 40 अधिक है, मतलब 70 का 140% है वो। ठीक है, तो ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो 1498, मतलब ये 98 है। ठीक है, ये रेशो आया नया। अब आप इसको काट दो, इसका आधा हो गया 15, इसका आधा हो गया 20, और इसका आधा हो गया 49। ठीक है, तो ये रेशो आ गया हमारा 9 और 1 10, 4 14 की 4, 1 बचा 2 4 6 7 और 1 8, 84, तो 84 हो गया। 84 की वैल्यू तो हमें चाहिए संख्या, तो संख्या 15 20 49 होगी, ये आ गई हमारी संख्याएं सीधा। ठीक है, तो क्योंकि इनका सम भी 84 है, तो 84 84 के बराबर है, तो 15 15 के बराबर होगा, और 20 20 के बराबर होगा, और 49 49 के बराबर होगा। ठीक है, जब एक पुरुष से उसकी आयु के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि उसकी आयु एक समबाहु त्रिकोण के एक कोण के मान के बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 60 60 के होते हैं, और एक कोण के बराबर है, इसका मतलब उसकी आयु भी कितनी है, 60 है। एक व्यक्ति को वर्ष में अपनी आयु बताने को कहा, उसका उत्तर था मेरी आयु वर्तमान से 5 वर्ष बाद की लीजिए। तो देखो, मेरी आयु मतलब उसकी आयु, मान लो आज अगर एक्स है तो आज से 5 साल बाद लीजिए, मतलब एक्स प्लस 5 लीजिए, फिर उसे 5 से गुणा कीजिए, तो उसे 5 से गुणा कर दो, और फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुने से घटा दीजिए। तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी होगी, एक्स माइनस 5, तो फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का 5 गुना से घटा दीजिए, इसको 5 गुने से घटा दीजिए, तो आपको पता चलेगा मेरी आयु कितनी है। तो बस इसको सॉल्व करना है हमें, देखो, तो मेरी आयु आ जाएगी, ठीक है, एक्स, एक मिनट, फिर 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु का एक्स माइनस 5 का 5 गुना से घटा दीजिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल, तो 5x माइनस ये हो गया 25, और ये माइनस का 5x और माइनस का ये हो गया 25। ठीक है, इससे ये कट गया, माइनस 25 और माइनस 25 ये हो गया 50 बराबर एक्स। ठीक है, तो हालांकि ये नंबर माइनस में आ रहा है, एक्चुअली ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, क्योंकि माइनस में किसी की आयु होती नहीं है, तो ये नंबर जो है वो पॉजिटिव है, और उसकी उम्र होगी 50 वर्ष। ठीक है, क्योंकि उम्र कभी माइनस नहीं होती, नेगेटिव नहीं होती, ये कहने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 32 छात्र का एवरेज 44 है, 40 का एवरेज 38 है, तो 32 का 44 है, और 40 का 38 है,
तो दोनों कक्षाओं के छात्रों को संयोजित कर दे तो एवरेज कितना होगा? तो दोनों कक्षा में छात्र कितने हैं? यहाँ पे 32 छात्र है और यहाँ पे 40 छात्र है। बस आप इसको गुणा करिए यहाँ पे, फिर इसका गुणा करिए और दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद ये कितना हो गया? 2 और ये 4 3 7, 72 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। एक फल विक्रेता 80 रुपये में 200 सेब खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा? 25%। देखो, 80 रुपये में 200 खरीदे और 200 ही बेच दिए, तो जितने खरीदे कितने बेचे ये कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने ही खरीदे उतने ही तो बेचे हैं। तो 80 में खरीदे, 100 में बेचे, 20 का फ़ायदा, और 20 का फ़ायदा 80 पे, तो 100 पे कितना? तो 20 चौक 80, 4 से 100 कटेगा 25 बार। ठीक है, अनुपात इसका सरलीकरण करो, इसको काट दो, 3 से 3 चंग 18, 3 से कटेगा ये 15 तिया 45 और ये 24 तिया 72। ठीक है, 6 15 24 नहीं आया, सोल्व कर लो, और 3 दूना 6, 3 5 15, 3 8 24, 2 5 8 देख लो, ये रहा। ठीक है, के का मान ज्ञात करो जिसके लिए एक्स बराबर 2 है एक समीकरण में। तो एक्स की अगर दो जगह एक्स की जगह 2 रख दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया ये हो गया 12, माइनस 2 दूना 4 एक 4 के, प्लस 5 बराबर 0, तो 12 और 5 हो गया 17, 17 उधर जाएगा तो माइनस का 17 और ये बचा माइनस का 4 के। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू हो गई 17/4, तो 17/4 होगा हमारा आंसर यहाँ पे। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ये यहाँ तक। ठीक है, तो 25 तिया 75, ये कितना हो गया? 25 तिया 75 बटे में कितना दिया है? 15, और प्लस का 2 गुना 5। ठीक है, अच्छा सॉरी, देखो मैं इसको थोड़ा सा क्रम में लिख के बता दूं, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये एक्चुअली ऐसा है, 25 गुना 3 बटे 15 प्लस 2 गुना 5। ठीक है, तो 3 5 15, 5 5 25, ये 5 बचेगा, सॉरी पहले गलत कर दिया था। ठीक है, प्लस 5 दूना ये 10, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15, 15 होगा हमारा आंसर। 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, ए अपनी चाल को दुगनी कर दे तो वो बी से 1 घंटा कम लेगा, ए की चाल बताइए। देखिए, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, 30 किलोमीटर की कोई दूरी जाना है हमको। ठीक है, आप एक्स मान के कर सकते हो, लेकिन ये 2 घंटे ज़्यादा 1 घंटा कम बहुत प्रॉब्लम कर देगा, एक्स मत मानना इसमें, रेशियो से समझने की कोशिश करना। ये ए है, चलो बी है, ये ए है, ये बी है, इनकी पहले आप स्पीड का रेशो देखो। देखो 30 किलोमीटर जाना, ये तो दूरी हमें दे दी है फिक्स। अब ये बोल रहा है ए बी से 2 घंटे अधिक लेता है, ए जो है वो बी से 2 घंटे ज़्यादा लेता है। ठीक है, टाइम का तो ये अगर मान लो ये 1 लेता है तो ये 2 घंटे ज़्यादा लेता है, मतलब ये 2 लेता है, मतलब इसका डबल है, ये 2 घंटे ज़्यादा ले रहा है, डबल है। तो स्पीड का रेशो ये है, तो टाइम का रेशो क्या होगा? स्पीड का 2 घंटे, सॉरी टाइम का रेशो है ना, ये टाइम का रेशो है 2:1, तो स्पीड का रेशो क्या होगा? 1:2 में इन्वर्स होता है बिल्कुल। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर ए की चाल दुगनी कर दें, ए की चाल डबल कर दो, ए की स्पीड 1 है, इसको अगर आप 2 कर दोगे तो 2 घंटे अधिक लग रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझना, यहाँ पे 1 घंटा कम ले रहा है और वो 2 घंटे अधिक ले रहा है, तो समय का डिफरेंस कितने का? 2 और 1 3 का, तो ये 3 का डिफरेंस समय है यहाँ पे। अब यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितने का दिया हुआ है? 2 और 1 का 1 का, तो 1 यूनिट हो गई 3 की वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं स्पीड को डबल कर दूंगा तो टाइम भी डबल लगेगा, अब 6 लगेगा, अब 6 घंटे लगेंगे, पहले लग रहे थे 3 घंटे, स्पीड को डबल किया, टाइम लगने लग गया 6 घंटे। ठीक है, अब उसी अगर ए की चाल पूछी हमसे, है ना, तो ए की स्पीड बताना है हमको। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, ए को लग रहा है 6 घंटे, उसको जाना कितना है? 30 किलोमीटर, तो 6 घंटे में किस स्पीड से जाएगा वो? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, तो 30 किलोमीटर पहुँच जाएगा, तो 5 किलोमीटर पर आवर होगा आंसर हमारा। ठीक है, ए निश्चित मामले में 8 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, 8 पुरुष 12 दिन में करते हैं किसी कार्य को, 6 दिन कार्य करने के बाद, मतलब 8 लोगों ने 6 दिन तक कार्य किया, उसके बाद 2 लोग और आ गए, तो 8 लोग थे तो 10 हो गए, अब तो उन्होंने जो शेष कार्य उसको पूरा कितने दिनों में किया? बस ये, तो 12 8 ये 96, तो 96 प्लस ये 8 6 48, तो बराबर 48 प्लस 10 x, तो ये गया इसमें से, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचा, और 5 गया तो 4 बचा, 48 बराबर 10 x, तो ये 48 बटे में 10 आ गया।
इसका आधा कर दो आप 5, इसका आधा कर दो आप 24, 24/5, 5 कहाँ दिख रहा है पहले तो आप ये देखो, 5 और 20 और 21 हो रहा है, तो 5 और 20 और 24/5, देखो ये ऑप्शन सेकंड होगा हमारा आंसर यहाँ पर। 16 वर्ष पूर्व दादाजी उससे 8 गुना बड़े थे, अब से 8 वर्ष बाद 3 गुना होंगे, तो 8 साल पहले। देखो यार ये सवाल मैं करा चुका हूँ, ठीक है, आप सर्च कीजिए एजेस एमपी पुलिस बाय परफेक्शन एकेडमी, ठीक है, या आप जब सर्च करेंगे ना तो हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें मैंने एजेस के सारे लेवल के क्वेश्चन सारे टाइप के मैंने उसी वीडियो में कवर किया है, ठीक है। तो एजेस एमपी पुलिस बाय परफेक्शन एकेडमी सर्च कीजिए। प्रत्येक को 2000 में बेचने पर 2 घड़ियों के विक्रय से व्यापारी को 1 पे 10 का लाभ, 1 पर 10 की हानि हुई, तो शुद्ध परिणाम 1% लॉस होगा। मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब भी किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस सेम हो और उनको 1 ही% लाभ पर, मतलब जितना परसेंट लाभ पे बेचा है उतने ही परसेंट हानि पर बेचेंगे, तो हमेशा उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 10 गुना 10 और हमेशा 100 का भाग दे देना, और जो भी आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। मतलब 1 एकम कितना बचा, 1। ये कैसे होता है, ये सक्सेसिव होता है एक्चुअली, ठीक है। 10 का लाभ 10 की हानि प्लस 10 गुना -10/100, ये एक्चुअली ये कंसेप्ट होता है। 10 में से 10 गया तो 0 बचा, ये इस 0 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो 1 एकम 1 माइनस का 1। ये सेम सेलिंग प्राइस पे होता है एक्चुअली, इसका कंसेप्ट होता है, लेकिन मैंने एच डी यादव में समझाया है, ठीक है। एक कैसेट प्लेयर का सूची मूल्य 40% का लाभ देगा, तो देखो 40% का लाभ कब होगा, जब कोई कॉस्ट प्राइस जिस वस्तु का 100 रुपये हो और उसका सूची मूल्य 40% का लाभ देगा। सूची मूल्य मतलब लिस्ट प्राइस है ना, मार्क्ड प्राइस भी कह सकते हैं इसको हम, लिस्ट प्राइस मान लो। तो लिस्ट प्राइस अगर 140 है और 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है तो हमें 40% का प्रॉफिट होगा, है ना। और 19% लाभ प्राप्त करने के लिए सूची मूल्य पे कितनी छूट देना पड़े, तो इस पे हमें 19% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो लिस्ट प्राइस पे हमारा जो सेलिंग प्राइस जो होगा छूट, वो कितनी देनी पड़ेगी 19% लाभ के लिए। तो सेल मतलब 119 में क्या होगा, तभी 19 का लाभ हो रहा है, और 19 का लाभ चाहिए हमको, तो कितने में का छूट दें हम इसमें, तो 140 से 119 की चीज़ करना है, हमें कितने की छूट देना पड़ेगी, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 गया तो 2 बचा, 21 की छूट देना पड़ेगी, और 21 की छूट हमें लिस्ट प्राइस या MRP मार्क्ड प्राइस पे देना पड़ेगी, तो 140 पे देना पड़ेगी, तो 100% कितना होगा, 0 से 0 कट गया, 7 * 21 7 * 14 2 से 10 कट गया, 5 * 5 = 15%, तो 15% होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है। एक रेलगाड़ी 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 20 मिनट में कितनी दूर चलेगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप कर लेना, ये सवाल मीटर में दिया हुआ है, तो आप एक काम करो 81 किलोमीटर को आप लिख लो 81,000 मीटर, ठीक है, इतने मीटर जाती है वो 60 मिनट में, तो हमें चाहिए 20 मिनट में, मतलब 3 का भाग दे दें हम, तो 3 का भाग इधर दोगे तो 27 * 81 होता है, तो 27,000 मीटर, ठीक है। 360 रुपये को इन रेशो में बांटना है, तो बाबू को कितने मिलेंगे, बाबू सेकंड वाला है ना 3, तो 3 की वैल्यू निकालना है, तो गुने में 3 और बटे में किसकी वैल्यू दी हुई है, 4 * 3 = 7 * 2 = 9, 9 की वैल्यू दी हुई है 360, तो 120 आंसर आ गया, ठीक है। 25 विक्रेता 10 दिनों में 1000 कमाते हैं, तो 25 विक्रेता 10 दिनों में 1000 रुपये कमाते हैं, तो 15 विक्रेता 15 दिनों में कितना कमाएंगे, समझ में आ गया ना, तो बस सोल्व कर लो, 5 * 10 5 * 3 = 15 5 * 5 = 25 5 * 3 = 15 5 * 2 = 10 100 का मल्टीप्लाई 3 * 3 = 9 में 900 रुपये, ठीक है। 198 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा के एक समबाहु त्रिभुज को बनाने के लिए एक तार को मोड़ा जाता है, मतलब 198 198 198 सारी भुजा बराबर है इसकी, समबाहु त्रिभुज की, और उसको वृत्त को बनाने के लिए वृत्त को बनाने के लिए तार को फिर से आकार दिया जाता है, मतलब उस तार को मोड़ करके वृत्त बनाया गया है, तो वृत्त का व्यास बताइए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखो 198 198 198 थ्री टाइम है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लो, 3 * 8 = 24 * 4 = 2 = 19 * 57 * 58 * 59 594 मीटर लंबा जो है वो क्या हो गया, उसका पूरा डायमेंशन हो गया, मतलब उसकी सारी विमाएँ हो गई, अगर उनको जोड़े तो हम ये इसकी ये वाली साइड, ये इसकी साइड, ये इसकी साइड, ये हर एक साइड 198 है, 189 सेंटीमीटर की प्रत्येक भुजा, हर एक भुजा इतने की, तो तीनों भुजाएं मिला करके इतने की, इतना लंबा तार अगर मैं यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दूंगा तो तार ऐसा लंबा हो जाएगा, ठीक है, जिसकी लंबाई इतनी होगी, मतलब ये कह सकते हैं, और इसी को हमें मोड़ करके सर्कल बनाना है, मतलब वृत्त की परिधि बनाना है, तो देखा जाए तो ये परिधि है,
तो परिधि कितनी होती है, 2πr, तो पाई होता है 22/7 इंटू आर, हमें नहीं पता, और आर की वैल्यू पूछी है उसने, मतलब वृत्त का व्यास पूछा है आर का डबल, तो 2r हम निकाल लेंगे, ठीक है। और ये कितना दिया है, 594। तो आप इसको कोशिश करो, देखो जब भी 22 हो तो ये डेफिनेटली पूरा चांसेस होता है, क्योंकि देखो दशमलव में एक ही ऑप्शन है, तो चांसेस है कि ये कट जाएगा। 11 से काटिए, 11 × 2 = 22, 11 × 5 = 55, 56 × 57 = 58, 59 = 59, 4 बचा बिल्कुल, 11 × 6 = 44, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा, 27 × 54। अब आप इस 7 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो 2r मतलब जिसको हम व्यास भी कहते हैं, त्रिज्या का डबल, तो ये कितना हो गया, 27 सती, तो 7 × 7 = 49, 9 पीछे कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहीं आ रहा है, तो 189 होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। मानसी के दादाजी कहते हैं, देखो ये भी आप देख सकते हो, मैंने बता दिया, ठीक है। वो न्यूनतम संख्या जिसे इससे घटाना पड़े, जिसे कि 319 से घटाना पड़े ताकि शेषफल पूर्ण वर्ग को 23 से भाग देना आंसर आ जाएगा, जो शेषफल बचेगा वो, ठीक है। एक विद्यालय में 4/5 लड़के हैं, लड़कियाँ इतनी हैं, 4/5 लड़के, इसका मतलब 5 में से 4 लड़के हैं, तो 5 में से 1 लड़की है, तो 1 की वैल्यू 200 है, तो 5 की वैल्यू 5 × 2 = 10 1000 होगी, और 1000 में 4/5 लड़के हैं, तो 800 छोरे हैं, ठीक है ना। ये छोरे हैं, ये छोरियां हैं, तो छोरे कितने हो गए, 1000 के 4/5 80%, 800, तो 800 छोरे हैं, तो 1000 में से 800 छोरे हैं, तो छोरियां कितनी हो गई, 200, ठीक है ना। लेकिन छोरे पूछे हैं तो 800। एक व्यक्ति ने एक फ़ोन ख़रीदा, विक्रेता से 5% छूट प्राप्त की, तो देखिए MRP जो भी था उस पर 5% की छूट पे ख़रीदा उसने, तो जो कॉस्ट प्राइस था उसका, वो मान लो MP 100 था, तो उसने 5 की छूट 95 में ख़रीदा, ये बोल रहा है क्रय मूल्य से 10% लाभ पे बेच दिया, तो इस पे 10% लाभ पे बेचा, मतलब 95 का 10%, 9.5, तो 9.5 जोड़ दो इसमें, तो 95 में 9.5 जोड़ेंगे तो ये होगा 104.5, ठीक है, ये हो गया। तो उसका वास्तविक मूल्य में, वास्तविक मूल्य में उसका प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंट पूछा है उसने, तो 100 MRP है उसका और उसने बेचा 104.5 में, प्रॉफिट दिख रहा है सामने आपको 4.5 का, 4.5 रुपये का, 4.5% का, तो 4.5% होगा यहाँ पे हमारा आंसर इसका, ठीक है। त्रिभुज एक ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो कि केंद्र O वाले एक वृत्त में उत्कीर्ण है, तो देखो एक O वृत्त वाले में एक समबाहु त्रिभुज है जिसका सेंटर O है, तो ये बोल रहा है BOC बताइए, ये ABC है, तो ये बोल रहा है BOC बताइए, और हम जानते हैं प्रत्येक कोण 60-60 के होते हैं, ये भी 60 का, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तो ये केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होगा, ये 120 होगा, प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, आश्चर्यचकित मत होना। एक समलंब चतुर्भुज में एंगल A बराबर ये, एंगल B बराबर ये, एंगल C ये, एंगल D ये, तो X एवं Y का मान बताइए, देखो यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, तो चलो ठीक है। एक हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, आप इन सबको जोड़ दो, यहाँ सीधा जोड़ लें हम, X और ये हो गया 2X, 3X प्लस Y और ये Y, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब आप इनको जोड़ लो, 25 और 5, 30, 30 और 98, कितना हो गया, 3 और 98, 8 9 3 12, 128, तो प्लस 128 बराबर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, इसको आप घटा दो, तो 3X प्लस Y बराबर 360 - 128, ये हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 3 गया तो ये 3 और ये 2, 232, तो 3X प्लस Y की वैल्यू 232 होना चाहिए, मतलब X का 3 गुना और Y जोड़ो उसमें, तो 232 होना चाहिए, तो X का 3 गुना करो, मान लो अगर ये 50 है तो 50 + 150, और 150 में 192 जोड़ोगे तो 292, हाँ तो 15 × 10 = 24, 242 हो रहा है, ये तो ये ऑप्शन नहीं होगा, 242 से हमें 232 चाहिए, 10 कम चाहिए, तो देखो ये भी 50 है, ये भी 50, ये 92, ये 82, ये आंसर हो गया आपका, क्योंकि 50 का 3 गुना करना है हमें, तो 50 + 150 प्लस Y की वैल्यू 82, आप जोड़ लो, यही आएगा, ठीक है ना, तो ऑप्शन 3 हो गया हमारा आंसर यहाँ पे। गिवन एंगल AOP इज इक्वल्स टू X डिग्री OPC ये है, देखो AOP X है, AOP ये वाला एंगल X है, और OPC ये वाला एंगल कितना है, Y है, और XY का रेशो 5:13 में है, तो ये देखो ये पैरेलल लाइंस के एक ही साइड स्थित एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये 50 है, ये 130 है, सामने ही दिख गया आपको, 5:13, तो 5 और 13 इनका सम होता है, 5 और 13 5 18, तो 18 हो गया 180 की वैल्यू,
एक हो गया 10 की वैल्यू, 5 हो गया 50 की वैल्यू, 13 हो गया 130 की वैल्यू। तो 50 और 130 ये हो गया हमारा x और y का मान, 50 130। एक आदमी 50 किलोमीटर की दूरी 40 की स्पीड से, 70 की स्पीड, 70 किलोमीटर अन्य दूरी इतनी स्पीड से जाता है, तो संपूर्ण यात्रा में एवरेज स्पीड कितनी है? 50 गया वो 40 की स्पीड से, मतलब पहले तो आप ये बताओ टोटल दूरी कितना गया? 70 ये 50 ये 120 गया, 5 50 7 120, ठीक है 5 7 12। अब वो गया 50 40 की स्पीड से और प्लस 70 गया 30 की स्पीड से। आप इसको डिवाइड करें, जीरो से जीरो हटा दें, इसका डिवाइड करें, 4 एकम 4, एक बचा 4 दूना 8, 2 बचा 4 5 20, 1.25 प्लस, इसको 3 से डिवाइड करें, 3 3 दूना 6 पॉइंट, एक बचा 3 3 9 3 3 9, ठीक है ये लगभग आ रहा। तो 120 अपॉन 5 और 3 8, 3 और 2 6, 2 और 1 3, 3.68। तो आप देख लो इसमें ऑप्शन से, ये पॉइंट हटाओ, 00 लगेगा, इसका आधा कर दो आप, ये हो गया 6000, इसका आधा करो, सोल्व करोगे ना तो आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ये सरल सा तरीका बता दिया। या फिर आप अगर इसको चाहें तो 50-70 ही रहने दो इसको, और एलसीएम लेकर के सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है तरीका बता दिया है मैंने, अब आप सोल्व कर सकते हैं। एक गांव की जनसंख्या 5000 लोग है तथा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 100 लीटर जल की आवश्यकता होती है। एक गांव की जनसंख्या 5000 है और प्रतिदिन हर व्यक्ति को 100 लीटर जल चाहिए, ठीक है। गांव में क्रमशः 25 मीटर लीटर मीटर, अच्छा क्वेश्चंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझना इसको। 5000 लोग हैं, 100 लीटर पानी हर व्यक्ति को चाहिए, और एक गांव में 25 मीटर 10 मीटर और 6 मीटर के परिमाण वाला एक टैंक है, ठीक है। तो टैंक का पानी कितने दिनों तक चलेगा? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और 1 क्यूबिक मीटर की वैल्यू दी है 1000 लीटर, ठीक है ये होती है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो तीन परिमाण वाले टैंक है, एक 25 मीटर वाला, एक 10 मीटर वाला और एक 6 मीटर वाला, ठीक है। अब और टोटल जो ये क्यूबिक मीटर होगा, क्योंकि ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, घन मीटर सॉरी हाँ घन मीटर हो जाएगा ये, और मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर, और ये सवाल जो है वो लीटर में दिया हुआ है। देखो 100 लीटर प्रति व्यक्ति को चाहिए, तो आप 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि इसको मीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है बटे में। अब देखना 5000 लोग हैं उसमें, और हर व्यक्ति 100 100 लीटर पानी खपत करता है, सिंपल। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये 25 चौक 100, 4 बार कटेगा ये, ठीक है। तो 5 दूना ये 10, 2 दूना 4 और 2 से 6 कटेगा 3 बार, मतलब टैंक का पानी 3 दिन चलेगा। तो 3 दिन होगा हमारा आंसर यहाँ पर, ठीक है। राम एक वस्तु को 15% लाभ में बेचता, यदि उसे 21 रुपये अधिक में बेचता तो 18% का लाभ कमाता। 15 की बजाय 18 में बेचता तो 21 रुपये अधिक कमाता। तो 15 से 18 3 का प्रॉफिट, तो 21 हो गया, 3 की वैल्यू 100 कितना होगा? 700, ठीक है। 2 टावर 30 मीटर और 35 मीटर ऊंचे हैं, वे 12 मीटर की दूरी पर है। देखो तो एक टावर ये है, एक टावर ये है, ये 30 मीटर का है, ये 35 मीटर ऊंचा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी यदि 12, तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी इस प्रकार होगी, उनके शीर्षों के बीच की दूरी ये वाली। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री है ये, ट्रिग्नोमेट्री ही है ये क्वेश्चंस, ठीक है। इसको हम यहाँ से मिला देते हैं, अगर ये 30 है और ये 35 है, इसका मतलब ये इतना सा ये भी 30 होगा, और ये ऊपर ऊपर वाला 5, ये 12 है तो ये भी 12, तो 5 12 13, ये ट्रिपलेट बन गया, तो ये 13 मीटर होगा यहाँ से लगा करके ये वाली दूरी, ठीक है 13 होगी। ये 5 12 13 कैसे आया, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है। तो आप एक काम करो, मेंसुरेशन देख लो हमारा, क्योंकि चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा और ट्रिपलेट भी क्लियर हो जाएगा, ये 5 12 13 क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है कर्ण, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 13 आ जाएगा। ए का वेतन बी के वेतन का 3 गुना है, ए का वेतन बी के वेतन का 3 गुना है, ठीक है। दोनों प्रतिमाह इतने रुपये कमाते हैं, दोनों का वेतन ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो आप ये देखो, ए का वेतन बी का 3 गुना है, तो बी का 3 गुना 8 या 24 थोड़ा ज़्यादा है, 11 दुना, तो ये तो डबल ही हो गया, ये आंसर नहीं होगा, 8 या 24, हाँ ये भी हो सकता है, और 9 या 27, ये देखो ये दिख रहा है शायद, इसका आप 3 गुना करेंगे तो 0 3 दुना 6, 9 या 27, 2760, हाँ इसका 3 गुना है ये बिल्कुल, ठीक है। तो जब 3 गुना है तो यही आंसर हो गया हमारा,
ठीक है, बाकी तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं। मूल्यांकन करें, 4 की पावर 3/2 गुना 24 की पावर 243 की पावर है, सॉरी 2/3, 4। और यहाँ पे बेस देखा करो इस तरह के सवालों में, ये जो हर होता है नीचे वाली संख्या वो देखा करो आप, ठीक है। यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, तो इस 4 को हमें 2 की पावर में लिखना है, तो 2 का स्क्वायर और उसकी पावर कितनी है 3/2 इंटू 243 जो है वो 7 का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब इंटू 2/3, तो क्यूब से क्यूब हट गया, 2 से 2 हट गया, 2 का क्यूब होता है 8 गुना 7 का स्क्वायर होता है 49, मल्टीप्लाई कर लो 9 8 72 की 2, 2 कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहीं आ रहा है, तो ये आंसर होगा हमारा, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें। गुणनखंड ज्ञात कीजिए, दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 3 24 आए और जोड़े या घटाए तो 10 आए। तो देखो आप इसमें देखते ही पता चलना चाहिए आपको कि इसके ऑप्शंस क्या नहीं हो सकते। देखो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि कहीं से कहीं भी 24 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे नंबर जो 24 का मल्टीपल हो तो सिर्फ यही है, 4x 2x ऐसे ही नंबर बनेंगे, क्योंकि आगे अगर कोई नंबर आता है तो फिर ऑप्शंस हमारे ऐसे ही होते हैं 4x वाले, ठीक है। अब इन तीन में प्रोबेबिलिटी होती है हमारी, है ना। तो चलो देखो इसको समझते हैं हम। मैं इसको देखो, हालांकि मैं ऑप्शन से करा सकता हूँ लेकिन बहुत सारे लोग माइनस प्लस में कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि सर ये वाला क्यों बोला या ये वाला क्यों बोला, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ। दो नंबर ऐसे ढूंढना है जिनका मल्टीप्लाई करें तो 3 8 24 आए और जोड़े या घटाए तो ये माइनस का 10 आए। तो दो नंबर हम ऑप्शन से ही देखेंगे वो भी, ठीक है। एक तो 4 हो गया और एक 6 हो गया, ठीक है, क्योंकि 4x तो दिख गया, तो एक 6x होगा क्योंकि 4 और 6x 10x और 4 * 24 तो 8x का स्क्वायर और ये माइनस का 10 है ना, तो माइनस लगा दो आगे और ब्रैकेट में लिख दो 6 + 4, क्योंकि 6 और 4 जब जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा और प्लस का 3, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करो तो 8x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 4x प्लस का 3, दो दो का जोड़ा बना लो पेयर, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, 2 * 8 तो 4x माइनस 2 * 3 = 6, 4x माइनस 3, यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे 1 के साथ तो 4x माइनस ये 3 बचा। अब इन दोनों में से ये कॉमन आ गया तो 4x माइनस 3 और ये बचा 2x माइनस का 1, तो ये 2x माइनस का 1 ऑप्शन सेकेंड होगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। कितने समय में 4000 रुपये 9% की दर से उतना ही ब्याज देंगे जितना इतना परसेंट, इतने रुपये 4 वर्षों में इतना परसेंट ब्याज दर पे देंगे, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4000 रुपये 9% की दर से कितने सालों में उतना ही ब्याज देंगे जितना कि 4500 रुपये 4 वर्षों में 9.5% 9.5 मतलब बटे में 100 लगा सकता हूँ मैं, देखो 100 तो आएगा ही बटे में एक, और 9.5 था तो उसको दशमलव हटाया तो बटे में 10 आ गया है, ठीक है। इस 100 से ये 100 कट गया, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, हटा दें इनको कचरे को, ये कचरा हट गया। अब देखिए आप यहाँ पे 9 से कटेगा ये 45 5 बार, तो ये 5 बार बचा सिर्फ, ठीक है। अब ये 5 से काट दो इसको 40 को 8 बार, तो ये 8 बार बचा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं बचा है, सिर्फ 8 * x बचा इधर और ये 5 तो हट गया है। अब देखो ये 5 से काट दो इसको, 5 * 10 5 से कटेगा ये 19 बार, ठीक है, 2 * 4 और 2 से कटेगा ये 2 * 8, तो x बराबर आ गया 19/4, तो देख लो आप 4 * 16 = 17 * 18 = 19, 4 सही 3/4 ऑप्शन 4 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक त्रिभुज का आधार एवं ऊंचाई देखो दुगनी हो जाती है तो नया क्षेत्रफल क्या होगा, देखो मेरे को एक बात बताओ, एक त्रिभुज जिसकी हाइट गिवन है और उसका बेस गिवन है, मतलब समकोण त्रिभुज होगा वो, और समकोण त्रिभुज में हाइट h और उसका बेस b है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 * बेस * हाइट, ये इसका क्षेत्रफल है त्रिभुज का, ठीक है। अब ये बोल रहा है अगर आधार और ऊंचाई दुगनी हो जाए तो बेस भी डबल हो जाए, हाइट भी डबल हो जाए, तो देखो 1/2 * बेस कितना है 2b * हाइट कितना है, ये भी 2b हो जाए, डबल हो जाए, तो इसका नया क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो ये इससे कट गया, ये कितना हो गया 2 * बेस * हाइट, पहले कितना था, बेस हाइट अपॉन 2, मतलब ये आधा था। इस बी एच को मैं 1 मान लूँ और इस बी एच को भी मैं 1 मान लूँ तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 4 गुना है। देखो आधे में 4 का गुना करोगे ना तभी 2 आएगा, ये 2 * 1 = 2 तभी आएगा ना, तो ये 4 गुना हो गया, तो मूल क्षेत्रफल का 4 गुना ऑप्शन सेकंड, ठीक है।
इसको ए माइनस वन से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो देखो ए माइनस वन है ना, तो ए को वन जीरो के बराबर रख दो, मतलब ए माइनस वन बराबर रख दो जीरो, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन। अब इस ए की वैल्यू वन आ गई तो वन रख दो यहाँ, तो वन का क्यूब करोगे तो वन, तो थ्री माइनस एट मतलब माइनस का फाइव आंसर। सिंपल है ये सवाल, ठीक है। इसके घन मूल का दहाई अंक जो कि एक पूर्ण घन है, तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, जब भी घनमूल निकालना हो, देखो ये इसके घनमूल का दहाई अंक जो कि एक पूर्ण घन है वो पूछा है हमसे। तो देखो 29791, इसका हमें घनमूल निकालना है, तो लास्ट नंबर देखो वन, वन किसका क्यूब के पीछे आता है? तो वन वन के ही क्यूब के पीछे आता है सिर्फ, ठीक है ना। तो ये हो गया वन। अब इसके अंदर देखना, तीन नंबर हमेशा छोड़ दिया करो, दो नंबर बचे वो किसके क्यूब के आसपास है? दो का क्यूब होता है 8, तीन का क्यूब होता है 27 और चार का क्यूब होता है 64। तो ये तो 27 जो है वो 29 के पास है ना, 27 मतलब तीन का क्यूब, तो ये 31 का क्यूब है, ये पक्का है। और ये बोल रहा है कि 31 का क्यूब है तो मूल का दहाई अंक जो कि एक पूर्ण घन है, ठीक है, तो हमें इसका दहाई का अंक बताना है 31। तो 31 में इकाई एक है तो दहाई पे तीन है, तो तीन होगा हमारा आंसर यहाँ पे, ठीक है ना। अक्षर पेंसिल से एक स्वर प्राप्त होने की क्या प्रायिकता? स्वर मतलब वोवेल, ठीक है। तो देखो ये कितने वर्ड है? छः। छः में से एक स्वर प्राप्त होने की, तो देखो आई भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, ई और आई दो ही स्वर हैं सिर्फ, ए ई आई ओ यू में से दो ही है इसमें, तो छः में से दो नंबर ऐसे हैं, ठीक है, चाहे हमें एक प्राप्त करना हो, तो बस दो एकम दो दोतिया छः, एक तिहाई प्रोबेबिलिटी है उसकी, ठीक है। कहाँ गया? ये रहा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, सारे ही पेपर कंप्लीट हो गए आज हमारे सारे पेपर, ठीक है। और हाँ 2016 के पेपर तो अब मैं नहीं सोल्व कराऊंगा, लेकिन हाँ 2016 के जो टफ क्वेश्चंस हैं मैं उनको कवर करवा दूंगा, ये मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया है, ओके। और हाँ चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कराऊंगा, और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं सर DI कराओ DI कराओ, पक्का DI करवाऊंगा मैं, ठीक है। आप दो तीन दिन रुक जाइए, बस शुरू करते हैं DI को, है ना। तो चलिए ठीक है, ये वीडियो कैसी लगी? ये शायद 53 वीडियो थी, ठीक है ना, हाँ 53। तो काफ़ी मेहनत करी है यार हमने इसमें, हमने लगभग बहुत ज़्यादा कम से कम 2-3 हज़ार क्वेश्चंस तो कवर किए ही होंगे, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, और हाँ स्पेशली MP पुलिस को, क्योंकि उसका कोई ज़्यादा लेवल नहीं है, आप सभी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे आज के पेपर में, है ना। तो बहुत मेहनत करके हमने इन सारे क्वेश्चंस को सोल्व किया लाइन बाय लाइन, और सारे पेपर्स करते गए हमने अलग से वीडियोस भी बनाई है, ठीक है। एक बार एक काम कीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लो, बहुत काम की चीज़ है। और हाँ अगर वास्तव में आपको SD यादव का सोल्यूशन अगर आपको एक बार आपको पूरा आता है, तो गारंटी है कि मैथ्स में आप पूरा मार्क्स कवर कर लेंगे, पूरा कंप्लीट। अगर मैथ्स 40 नंबर का आता है तो 40 पूरे पक्के हैं आपके, अगर आपको SD यादव पूरी आती है तो। और मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है यार उसको, ठीक है। अब कुछ लोग कमेंट करते हैं सर SD यादव जो है वो उसमें आपने ज्योमेट्री जो है उसका बहुत डिटेल में समझाया है, तो उसके आपने लगभग 180 क्वेश्चंस कुछ कराए हैं, 140-150 कुछ लगभग, तो उतने क्वेश्चंस सर हम नहीं देख पाएंगे, आप कम करवाइए। तो ज्योमेट्री को कम करवा दिया ना, तो फिर ये चांस नहीं होगा, फिर आपके यही चांस होंगे 15-20 नंबर आने के, और जो कि हर कोई ले आता है। पूरा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो इन कोई मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें से नहीं आएगा। हाँ उसके जैसा कंसेप्ट जरूर मैं करवा सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो में कंसेप्ट कवर नहीं होगा। सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अलग अलग टाइप के होते हैं, सबका कंसेप्ट अलग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसेप्ट सीखने पे जोर दीजिए, और उसके बाद आप पूरा उसको SD यादव को एक बार देखिए, ठीक है। और हाँ मैं कहता हूँ कि जो एडवांस मैथ्स अगर आपको देखना है तो सिर्फ SD यादव का देखिए, बाकी चैप्टर्स आप RS अग्रवाल बुक का भी मैंने सोल्व कराया उसका भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक ही बुक से पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, इसलिए आप मुझको मैं कहता हूँ कि आप SD यादव से ही पढ़ें पूरा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। अब सोच रहा हूँ कि या तो DI स्टार्ट करूँगा, या फिर चैप्टर वाइज सोल्यूशन, ठीक है, या फिर 2016 के टफ क्वेश्चंस। तो हालांकि टफ क्वेश्चंस तो हम बाद में भी ले सकते हैं कभी भी एग्ज़ाम्स के आसपास, है ना। तो हो सकेगा तो DI पे फोकस करेंगे, या फिर हम जो चैप्टर वाइज सोल्यूशन है उस पर। लेकिन चैप्टर वाइज सोल्यूशन तो SD यादव का ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लेकिन मैं जो कराऊंगा वो सिर्फ MP पुलिस लेवल का होगा, ठीक है। उसमें तो बहुत बेसिक भी और बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए बाय बाय।